हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं देखने कि जो है कि बीएससी एग्रीकल्चर सॉरी बीएससी नर्सिंग जो होता है उसका जो है कि सिलेबस क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है, उसका कॉलेज में कॉलेज कहाँ कहाँ है, तो जाकर देखते हैं। कॉलेज ज़्यादा नहीं देखेंगे, आज मेनली देखेंगे हम कि सिलेबस क्या है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है, सिलेबस के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, देखते हैं आगे हम। देखिए, जानते हैं पहले, सबसे पहले जानते हैं बी एस सी नर्सिंग क्या होता है। बी एस सी नर्सिंग, बी एस सी नर्सिंग, बी एस सी नर्सिंग जो है कि एक प्रकार के मेडिकल कोर्स है जो कि आप इसको 12th के बाद कर सकते हैं। इसको जो है कि 12th पास आप जो किए हैं, इसको जो है कि पी सी बी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनका था 12th में वो कर सकते हैं। जिनका पी सी एम बी भी था, पी सी एम बी यानी कि जिनका मैथ भी था वो भी कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी होना ज़रूरी है, यानी कि पी सी बी होना अनिवार्य है। पी सी बी है तो आप कर सकते हैं। तो बी एस नर्सिंग करने के लिए जो है कि आप लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 12th पास, वो भी 12th में जो है कि 50%, 50 to 55% चाहिए मार्क्स 12th में, उसी वैसी कोई दिक्कत नहीं हो ज़्यादा, उतना है तो आप जो है कि बी एस नर्सिंग कर सकते हैं। बी एस नर्सिंग करने के लिए जो है एग्ज़ाम होता है आपका, दो एग्ज़ाम, एक होता है नीट जो होता है कि नीट के द्वारा होता है, एक होता है बी एस सी नर्सिंग का जो है कि अपना स्टेट लेता है, झारखंड लेता है, जे सी ई सी, जे सी ई सी ई बी, जे सी ई सी ई बी का एग्ज़ाम होता है। बी एस सी नर्सिंग का एक अलग से एग्ज़ाम होता है, उसको देना होता है, उसी से होता है बी एस सी नर्सिंग में एडमिशन। बी एस सी नर्सिंग में एडमिशन जो है कि लेने से पहले हमको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहिए, हमको तैयारी करना होगा उसका। जो है कि अगर हम देखें सिलेबस, सिलेबस देखें तो उसमें क्या क्या होता है, होता है फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आता है क्वेश्चन, यानी कि पी सी बी से ही क्वेश्चन इसमें आता है, मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। तीनों से 50-50 आता है, 50 इससे 50 इससे और 50 इससे आता है क्वेश्चन, जो कि जो जो कि होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। पी सी बी जो होता है यूके इतना होता है 12th लेवल का, क्या होता है 12th, जैसे कि कह सकते हैं 11th एंड 12th, आई एस सी लेवल कह सकते हैं, दोनों में आई एस सी लेवल आता है। एकदम आसान से क्वेश्चन आता है जो है कि एन सी आर टी बेस्ड, एन सी ई आर टी, एन सी ई आर टी बेस्ड आता है क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो है कि एन सी आर टी बेस्ड होता है, हर एक क्वेश्चन जो है कि एन सी आर टी की लाइन टू लाइन उठाया जाता है। एकदम आसान से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है क्वेश्चन, उसको आप लोग आराम से बना सकते हैं अगर जो पढ़े हैं तो। जब आप लोग को नहीं मिले पढ़ने के लिए कहीं, तो हम इसी चैनल पर जो है कि अगला नेक्स्ट ईयर से यानी कि 1 महीने के बाद से जो है कि अगला बार जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बताएँ हम आप लोग को, शॉर्ट में पढ़ाएँ। अगले साल से जो है कि पूरा डिटेल में अच्छा से पढ़ाएंगे हम इसी चैनल पर, जो है कि बी एस नर्सिंग हो, एम्स नर्सिंग हो, या फिर पैरामेडिकल जिसको करना हो, या फिर जिसको करना हो क्या बोलते हैं इसको, बी एस सी एग्रीकल्चर करना हो, वेटनरी करना हो, जो भी कोर्स करना हो, हर एक कोर्स के बारे में पढ़ाएंगे, नीट के भी इसी चैनल पर पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग पढ़ सकते हैं बिंदास, देख सकते हैं। इसमें जो है कि नर्सिंग करने के बाद जो है कि आप लोग बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि जो है कि बी एस सी नर्सिंग अगर आप कर लेते हैं, बी एस सी नर्सिंग, तो आपको जो है कि इसमें होता है कि गवर्नमेंट जॉब हुआ तो 50,000 प्लस आपको सैलरी मिलता है, और क्या चाहिए, एकदम बिंदास इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो है कि इसमें जो है कि हम सिलेबस बोलेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लोग बहुत लोग होता है कन्फ्यूज, जो है कि जो देहात एरिया से होता है, रेगुलर रूरल एरिया से, लोग कन्फ्यूज होते हैं कि बी एस नर्सिंग में क्वेश्चन किस तरह से आता है। बहुत लोग हमसे पूछें कि बताइए सर क्वेश्चन किस तरह से आता है बी एस नर्सिंग में, तो आप लोग एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें सभी सभी जितना भी क्वेश्चन आता है क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। कितना आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस, जिसमें कि आप एक जो क्वेश्चन जो है कि 4 ऑप्शन रहेगा उसमें से आपको एक सही करना होगा। उसमें जो है कि रहता है आपका 33% होता है माइनस निगेटिव मार्किंग होता है, 33% होता है निगेटिव मार्किंग, और उसमें जो है कि यानी कि जो है कि 3 को गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यही सारा क्राइटेरिया होता है इसमें, आराम से इसको ही देखना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बहुत आसान से याद दे सकते हैं आप इस तरह से, इसको यही होता है। बाकी जैसे इसमें अगर आप पूछे बोले सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या आता है, जैसे 12th के हम बायोलॉजी की बात करते हैं, क्या किसका बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में जो है कि अगर हम अगर 11th से चलते हैं तो सेल एंड जो है कि सेल एंड सेल साइकिल जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल एंड सेल साइकिल, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इसमें भी क्वेश्चन आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो है कि देखिए इस बार जो है कि डाइजेशन जो है कि कट चुका है, एनसीईआरटी से जान रहे हैं डाइजेशन कट चुका है, डाइजेशन को जो है सुपर स्पेशली पढ़ लीजिएगा, क्या है कि जैसी इसी साइड जो है कि अभी अपडेट नहीं किया है कि हम नए एनसीईआरटी के अनुसार एग्जाम लेंगे, चाहे कैसे लेंगे एग्जाम, वो नहीं बताया है न्यू सिलेबस के बारे में कुछ। जब जैसे ही आता है आप लोग हम अपडेट करेंगे कि नया सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन अभी जो है कि पिछला बार जो भी था उसके अनुसार जो है कि अभी
एनसीईआरटी से काट चुका है तो आप काट सकते हैं उसको, लेकिन एक बार देख लीजिएगा डाइजेशन को। और जो है कि फिर जो है कि प्लांट फिजियोलॉजी से भी आता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो है कि आपका क्लासिफिकेशन से कुछ 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 क्वेश्चन पूछता है, क्लासिफिकेशन जो है ना ऑर्गेनिज्म, जो आप लोग क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़े होंगे जो है उससे भी क्वेश्चन आता है। अगर जो फिर रूट्स वगैरह बहुत आसान क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछता है कि कौन सा रूट्स है, ये सब पूछता है। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे एनाटॉमी में बताया, प्लांट फ्लावर फ्लाइंग प्लांट की एनाटॉमी था, एनाटॉमी एंड क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, इसे जो है कि बहुत आसान से क्वेश्चन पूछता है। रूट मॉडिफिकेशन, स्टीम मॉडिफिकेशन, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछता है, फैमिली वगैरह कुछ नहीं पूछता है इसमें, इसमें बहुत आसान से क्वेश्चन पूछता है। अगर जो हम ट्वेल्थ की बात करें बायोलॉजी में, जो है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है, फ्लावरिंग प्लांट से आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट जो है कि उससे क्वेश्चन आता है। चैप्टर दो और तीन से भी बहुत सारा क्वेश्चन इस दोनों से पूछता है, दोनों को अच्छा से पढ़ना है। इसके बाद जो है कि आता है जेनेटिक्स से क्वेश्चन, जो है कि बहुत सारा आता है जेनेटिक्स प्लस में जो है कि बायो, जो है कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो कि लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी से रहता है क्वेश्चन। और जो है कि इकोलॉजी से क्वेश्चन भी आता है, इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन उतना नहीं तो वो बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन उठा रहा है, बेसी नहीं कहीं से। और जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो है कि ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, एंड फिजिकल तीन होता है। तो पहले जो था कि जैसा ज्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से आ रहा था, इनऑर्गेनिक से आ रहा था, फिजिकल से आ रहा था, फिर ऑर्गेनिक से आ रहा था क्वेश्चन पहले। लेकिन अब जो है कि इनऑर्गेनिक से कुछ कुछ चैप्टर कट चुका है, इनऑर्गेनिक से कुछ कुछ चैप्टर कट चुका है, फिजिकल से भी कुछ चैप्टर कट चुका है, तो चांस है कि ऑर्गेनिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए। अगर आप लोग को ऑर्गेनिक समझ नहीं आता केमिस्ट्री, तो हम केमिस्ट्री स्पेशल ही पढ़ाते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा से समझ में आएगा केमिस्ट्री, यहाँ से केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों के क्वेश्चन। हम इसमें बताएंगे बहुत सारा क्वेश्चन बी एस नर्सिंग का भी, इसमें आप पढ़ सकते हैं। अब फिजिक्स से बात करें तो फिजिक्स के भी जो है क्या आसान आसान क्वेश्चन आपको पूछता है, जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो ज़्यादा सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें ज़्यादा करके थ्योरी पर्सन क्वेश्चन आता है, ज़्यादा सॉल्व न्यूमेरिकल नहीं होता ज़्यादा करके। जैसे कि नीट में हम लोग देखते हैं कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, लेकिन इसमें उतना सॉल्व नहीं करना होता, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है इसमें, इसलिए आप लोग बिंदास पढ़ सकते हैं। कॉलेज की अगर हम बात करें कॉलेज के, तो यह सबसे बेस्ट जो है कि अभी तो जाने रिम्स, झारखंड में जो है कि रिम्स ही है सबसे बेस्ट। इसके बाद जो है कि धनबाद भी है, धनबाद है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, बहुत सारा कॉलेज है। अब अगर जो आप प्राइवेट से करना चाहते हैं, प्राइवेट से आप लोग जो है कि झारखंड में एक चंद्रवंशी कॉलेज जो है बेस्ट है, फिर एलाइट पब्लिक नर्सिंग कॉलेज है, बहुत सारा कॉलेज के है कि आप लोग कर सकते हैं उससे। आप अगर जो आप लोग प्राइवेट से करना हो तो आप जो है कि कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, इस पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना हो प्राइवेट से करने के बारे में। फी के बारे में ज़्यादा फी नहीं लगता है, बहुत कम फी लगता है प्राइवेट से भी। अब बाकी अगर जो भी है, अगर EWS जैसे कि सॉरी जैसे कि OBC हैं या फिर SC ST जो भी है, OBC और SC ST, OBC एंड AC एंड ST, उनका जो है कि बहुत सारा फी जो है कि माफ़ रहता है। जैसे कि माफ़ क्या होता है, ये कल्याण द्वारा आ जाता है। अगर जो आपका नर्सिंग का अगर नाम लिखवाते हैं तो अगर 1,00,000 रुपया खर्चा ही होगा, 1,00,000, तो उसमें जो है कि 80,000 जो है कि आपको आ जाता है इस टाइप का। तो आपको 20,000 रुपये खर्चा हुआ हर एक ईयर में, ज़्यादा उसे खर्चा बेसी क्या होगा। इसलिए आप चाहें तो प्राइवेट से भी करना तो कर सकते हैं, करना होगा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। बाकी अब अगला क्लास में जो है कि अगला बताएंगे आप लोग के और भी एग्जाम के बारे में, जैसे पैरामेडिकल पैरामेडिकल ANM GNM के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।